कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं डॉक्टर रुपेंद्र, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंजक्टिवा के बारे में। कंजक्टिवा क्या है और क्यों होता है और इसके होने के क्या लक्षण है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आंखें हमारी बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती हैं और इसमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लक्षण तुरंत दिखाई देने लगते हैं। आंखें आना या पिंक आई, ऐसी एक सामान्य समस्या आंख लाल होना, जिसे हम चिकित्सक भाषा में कंजक्टिवा कहते हैं। और कंजक्टिवा हमारी आँखों में वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होने वाला कंजक्टिवाइटिस एक संक्रमण होता है। जिन व्यक्तियों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है उन व्यक्तियों को आसपास या उनका यूज किया हुआ टॉवल वगैरह अगर कोई अन्य व्यक्ति यूज करता है तो उसको भी यह संक्रमण हो सकता है। और यह एक आँखों में होने वाला संक्रमण है। संक्रमण एक या दोनों आँखों में हो सकता है। और कंजक्टिवाइटिस के कई प्रकार होते हैं, जैसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, और इसके भी दो प्रकार होते हैं। दोस्तों, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जब किसी प्रकार का प्रदूषक तत्व, जानवर से एलर्जी या फिर किसी दूसरे प्रकार का पदार्थ आपकी आंखों में चला जाता है जिससे दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, एक होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। यह स्थिति तब पैदा होती है जब कोई केमिकल या फिर प्रदूषक तत्व आपकी आंख में चला जाता है। फिर होता है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। ये तीन प्रकार की होते हैं। पहला जो होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस, यह स्थिति सर्दियां या फिर ऊपरी सावन पथ के संक्रमण से जुड़े वायरस से के संपर्क में आने से होता है। फिर अगला होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। यह स्थिति तब पैदा होती है जब आपकी स्किन, सावन पथ में मौजूद बैक्टीरिया या फिर गंदे फेस लोशन, आई मेकअप का इस्तेमाल करने से होता है। ये संक्रमण क्या होता है, बड़ों की तुलना में बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगला जो कंजक्टिवाइटिस होता है ऑप्थाल्मिया नियोनेट्रम, यह एक बहुत ही गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि नवजात शिशु को प्रभावित करता है। यह बच्चे की आंख में वर्थ कैनल में मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आने के कारण होता है। इसका इलाज जल्द से जल्द किया जाना जरूरी होता है और ये कंडीशन में आपकी आंखों में अस्थायी रूप से बहुत नुकसान भी पहुँचा सकता है। कंजक्टिवा होने के लक्षण जो होते हैं, और आप मुझे बताइए आप किस प्रकार के कंजक्टिवा से पीड़ित हैं। एलर्जिक कंजक्टिवा के लक्षण होते हैं आँख में हल्का लालपन, आँखों से पानी आना और दोस्तों आँख में खुजली होना। ये हमारे एलर्जिक कंजक्टिवा के लक्षण हैं। दूसरा जो हमारा है वायरल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण, आँख में लालपन और आँखों में दर्द और आँखों में कुछ चला जाना और आँखों से किरकिरापन महसूस होना और लाइट से परेशानी, ये हमारे वायरल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं। फिर आता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, आँखों में लालपन, आँखों में दर्द, आँखों से पीले रंग का पानी आना और आँखों में कीचड़ जमा होना, पलकों में लालपन होना और हल्की पलके आपकी सूजी हुई दिखाई देना, रोशनी से दिक्कत महसूस होना, ये हमारे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं। और दोस्तों, हमारा जो अगला कंजक्टिवाइटिस है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, केमिकल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं, इसमें सिर्फ ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं, जैसे आँखों से आंसू आना और आँखों से कीचड़ आना। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपकी केमिकल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सी दिक्कत, आप किस कंजक्टिवा से पीड़ित है। दोस्तों, कंजक्टिवा से कैसे बचा जा सकता है। कंजक्टिवा से बचने के लिए कोई खास तरीका नहीं होता है क्योंकि आंखों में होने वाली यह समस्या कई अलग अलग स्रोतों के कारण होती है, जैसे कि बार बार आंखों को धुलने से, आंखों को छूने या रगड़ने से बचना चाहिए और आप ये सावधानियाँ अपना कर काफ़ी हद तक कंजक्टिवा से बचा जा सकता है। जिन व्यक्तियों में एलर्जी की समस्या होती है उन व्यक्तियों को एलर्जिक रिएक्शन से दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति धूल भरे वातावरण में या फिर आँख में जलन पैदा करने वाली जगहों पर काम करते हैं और उन्हें आँखों की
और आंखों को सुरक्षित रखने के उपाय जरूर अपनाना चाहिए। जब यह यौन संचारित रोगों में सेक्सुअल, जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, वेरिसेला जिस्टर वायरस, हार्पीस सिंप्लेक्स वायरस आदि के कारण होता है, इसके अलावा डॉक्टर लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए मरीजों को आई ड्रॉप और कोल्ड कंप्रेस के इस्तेमाल की सलाह दे सकते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस के गंभीर मामलों में डॉक्टर असुविधा को कम करने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रॉप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आपको कंजक्टाइवा के किसी भी प्रकार के दिक्कत से पीड़ित हो तो ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।